Hello, NEET aspirants. You all are watching official YouTube channel of Shiva Learning. You all can also visit us on www.shivalearning.in for more details. You all can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. So this is the video especially for the NEET aspirants who are doing NEET preparation for the session 2020. In this video, I will tell what are the colleges, what is the fee structure of these colleges. I will try to take all the colleges from India, either is government or private. I will try to summarize all types of counseling, either is 15% quota or 85% quota, how to do counseling, which website you have to visit, that everything I will try to include in that. So I'm requesting either is parents or students who are watching the video, please watch the video till last because you are going to get lots of important information in this video. So aate hain video pe, let's speak in Hindi. मेनली अभी दो टाइप की जो है कि काउंसलिंग हो रही है. फर्स्ट वन इज द 15% कोटा एंड सेकेंड वन इज द 85% कोटा. 85% जो है वो स्टेट के लिए प्रीफरेबल होता है, जो बच्चे अपने खुद के स्टेट में डोमिसाइल स्टेट में काउंसलिंग करते हैं. और 15% जो है अक्रॉस इंडिया के लिए, कोई भी बच्चा एक अदर स्टेट का है वो अदर स्टेट में सीट ले सकता है. ठीक है, तो 15% जो है, सपोज एक स्टेट में एक इंस्टीट्यूट में अगर 100 सीट है तो उस 100 सीट के 15% सीट पे कोई भी बच्चा अदर स्टेट से आके सीट ले सकता है. ओके, सो इसके लिए मार्क्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए. अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की छोड़ दें तो 15% में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे गवर्नमेंट होते हैं, और गवर्नमेंट के लिए आपका स्कोर मिनिमम 540 प्लस होना चाहिए. आप लोअर स्टेट ऑफ इंडिया में भी जाएंगे, अभी जैसे कि आप उड़ीसा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तो उधर भी अगर आप लेना चाहेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ETC, उस केस में भी आपका स्कोर 540 होना चाहिए अगर आप 15% के थ्रू लेते हैं. जो 15% की काउंसलिंग होती है वो हमारी MCC कराती है. ठीक है, और जो 85% की जो काउंसलिंग होती है उस वो केवल आप अपने डोमिसाइल स्टेट में एलिजिबल होते हैं, और वो काउंसलिंग आपकी स्टेट मेडिकल अथॉरिटी कराती है. ठीक है, 85% सीट अगर आप अपने डोमिसाइल में देख रहे हैं तो आपके डोमिसाइल स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं डीम्ड को छोड़ के, आइदर इस प्राइवेट और गवर्नमेंट, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल कॉलेजेस. ओके, ये आपका हो गया 15% कोटा, 85% कोटा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीम्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, 15% में एक चीज़ मैं और इंक्लूड करूँगा कि जैसे जितने भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे AMU है, DU है, BHU है, इनकी भी काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू ही होती है. और अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की. ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जैसे कि अगर हम सबसे लोवेस्ट बजट ले कर चलें तो सिद्धार्था एकेडमी है जो बेगूर में है, टी बेगूर, उसका 11 लाख से स्टार्टिंग है. और हाईएस्ट फीस जाता है DY पाटिल का, नावी मुंबई, जिसका फीस है तकरीबन 26 लाख रुपए. ठीक है, MBBS की मैं बात कर रहा हूँ. तो 11 जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में लोवेस्ट है, और हाईएस्ट आपका जाएगा 26 लाख रुपए. और मार्क्स का कोई बैरियर नहीं है डीम्ड यूनिवर्सिटी में. आई थिंक अगर आपका मार्क्स 160, 170, 150 भी है तो उस केस में भी आपको इजीली डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगा. लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में 160 तक आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीटें मिली हैं, जैसे संतोष मेडिकल कॉलेज जो है गाजियाबाद में. सबसे मैं लोवेस्ट की बात कर रहा हूँ. तो और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है वो भी MCC के थ्रू होती है, लेकिन वो 100% सीट के लिए होती है. यानी अक्रॉस इंडिया से कोई भी बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी सीट ले सकता है. ठीक है, 85% स्टेट का बता दिया गया, 100% डीम्ड का बता दिया गया, और 15% जो AIQ काउंसलिंग होती है वो भी बता दिया गया. अब आता है कि अगर कोई बच्चा एवरेज मार्क्स लेके आया है, जैसे कि 400 लाया, 450 लाया, 490 लाया, और उस केस में उसको ऐसा तो है नहीं कि सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, मिलना तो है नहीं, गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं. अगर जनरल OBC है, SC ST है तो चांसेज हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा.
तो सपोज अगर आपका स्कोर 450 आ गया, 470 आ गया, 300 आ गया, और आप अपने डोमिसाइल स्टेट में सीट नहीं चाहते हैं, अदर स्टेट में ऑप्शन चाहते हैं, तो अदर स्टेट की मैं लिस्ट बता रहा हूँ, जो ओपन स्टेट है, जहाँ कोई भी बच्चा अप्लाई करके एमबीबीएस की सीट ले सकता है, ठीक है? जैसे कि उत्तर प्रदेश ओपन स्टेट है, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, उसके बाद आपका आता है आंध्रा ओपन स्टेट है, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, राजस्थान हुआ, एमपी हुआ। लेट मी टेल कि राजस्थान और एमपी जो है, राजस्थान ओपन करता है अदर स्टेट के लिए सेकंड राउंड में, और एमपी ओपन करता है अदर स्टेट के लिए मॉपअप राउंड में। सो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, ठीक है? यानी मैक्सिमम स्टेट ऑफ इंडिया जो है ओपन काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिए हैं, एक्सेप्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ के आप इंडिया के चाहे जिस स्टेट में अपनी सेपरेट काउंसलिंग कर सकते हैं, और वहाँ की जो एमबीबीएस सीट है उस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कुछ कुछ कॉलेजेस के और कुछ स्टेट में चलते हैं और देखते हैं क्या मार्क्स रिक्वायर्ड रहेगा और क्या फीस रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द केरल, क्योंकि केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ की सबसे अभी तक सबसे लोवेस्ट फीस है। केरल में हर एक इंस्टीट्यूशन की फीस जो है 5.32 लाख से लेके 6 लाख तक है, लेकिन उसके लिए आपको मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी तकरीबन 500+, यानी 505, 510, 56, 512। अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हैं तो केरल में आप 5.5 और 5.6 लाख के फीस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो भी, इट्स ओपन स्टेट, सो यू कैन डू द काउंसलिंग देयर एंड यू कैन गेट द एमबीबीएस सीट। सेकेंड नंबर पे आते हैं, अगर हम बेंगलुरु रीजन्स लें, यानी कर्नाटक स्टेट लें, तो कर्नाटक स्टेट के लिए अगर बच्चा वहाँ का डोमिसाइल है, ठीक है, तो डोमिसाइल वालों के लिए जो फीस होती है, दोज स्टूडेंट्स हु आर द लोकलाइट ऑफ द बेंगलुरु और कर्नाटका रीजन्स, दे हैव द फीस ऑफ 1.24 लैक्स पर एनम, बट देयर स्कोर शुड बी वेरी गुड, उनका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और अगर हम वहीं पे बेंगलुरु रीजन्स में जो जो सीटें मैनेजमेंट की हैं उनकी बात करते हैं, जिसपे अक्रॉस इंडिया के सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो फीस होता है 7.98 लैक्स पर एनम। 7.98 लैक्स पर एनम फीस है। और आप इस चाहे आप जिस स्टेट के भी हो, वहाँ की सेपरेट काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। जो डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए वहाँ की जो स्टेट मेडिकल अथॉरिटी है और जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस देती है, इसलिए फीस उनके लिए काफ़ी कम होता है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1.24 लैक्स, ओके? बट उनका मार्क्स उस केस में ज़्यादा होना चाहिए, यानी मार्क्स तकरीबन 450, 500, 470। और नॉर्मल में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट में वहाँ पे जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, दो जो आर लाइक SC ST 2A GH GH, हैदराबाद का कर्नाटका रीजन, दे कैन गेट सीट इन वेरी लो मार्क्स लाइक 220, 230, इजिली दे कैन गेट विद द फीस ऑफ 7.98 लैक्स पर एनम, ठीक है? और अगर हम थर्ड स्टेट को लेते हैं तो चले आते हैं एमपी पे। एमपी में आते हैं, लेट मी टेल सम फ्यू नेम ऑफ द कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, ओके? सो लाइक वी हैव कॉलेजेस लाइक BGS ग्लोबल, DR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, JJM मेडिकल कॉलेज, दावणगिरी, KVG मेडिकल कॉलेज सोबिया, एंड कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बंगलौर, MS रोमैया, नवोदया मेडिकल रायचूर, सप्तगिरी, श्रीनिवास, वैदेही, SDM, सेंट जॉन्स, ईस्ट पॉइंट, साकास, कैनाचूर, माधेरप्पा, निजलिंगप्पा, SAS, एंड श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AL अमीन, ख्वाजा बन्नाज, नवाज सुबैया, द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज, एज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस MBJ, एंड सांबरम ETC। दीज आर द कॉलेजेस विच हैव द फीस ऑफ 7.98 लैक्स पर एनम,
for all the students who are from the other state, they all can also apply and can get the MBBS seat in this state. But your marks should be near about 500 plus if you want to get through the merit basis. अगर आपको merit basis पाना है तो आपका marks 500 plus होना चाहिए. Only few exceptional colleges are there, like we have one exceptional college SDM which have the fees of 14 lakhs per annum. Other is the Adi Chunchagiri, which have the fees of 14 lakhs per annum. So except these colleges, all the colleges having the fees under 8 lakhs per annum. Okay. So this is the details of Karnataka region. Kerala region I already told you. Okay. चलिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आइए अब थर्ड स्टेट हम यूपी के लेते हैं. देर इज़ नो बाउंडेशन इन यूपी. इफ़ यू हैव द मार्क्स ऑफ 150, 160, 170, 200, देन ऑल्सो यू कैन गेट सीट इन उत्तर प्रदेश. इज जस्ट लाइक द डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग. सो उत्तर प्रदेश भी एक आपका ओपन स्टेट है जहाँ पे आपको सीट मिलने में कोई बाउंडेशन नहीं है. आपका मार्क्स कितना भी लो है, आप आसानी से सीट ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में. अगर हम उत्तर प्रदेश के फीस की बात करें तो 8.3 लाख से स्टार्ट होके 15 लाख तक जाता है. 15 लाख आपके जो फीस हैं वो केवल फोर कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं, जैसे तीर्थंकर है, इंटीग्रल है, और एफएच मेडिकल कॉलेज है, और एक एरा है. सो जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनके फीस थोड़े से ज़्यादा हैं 15 लाख. And approximately seven colleges we have, like KM Medical College, Mathura, Subharati, and Hind Sitapur. These all colleges having the fees of 8.3 lakhs per annum. Hostel fees inka thoda sa jyada hai, like 1.5 hostel hai, living, plus hostel mess 80,000 ho jata hai. To approximately 2.5 ka aap maan sakte hai, theek hai? So let's name the few colleges of Uttar Pradesh. Like first one is the Subharti Medical College, having the fees of 8.3, and then Hind Institute of Medical Science Barabanki 11.3, Sri Ram Murthy Institute of Medical Science the fees is 11.44, Rohilkhand Bareilly the fees is near about 11 lakhs, and now you have Sarada, the fees is 11.5. So okay. So approximately all the institutes except ERA and except FAS, Integral and Tirthankar, okay, these all four colleges having the very high fees, remaining all having the fees under 11.5 lakhs per annum. So Uttar Pradesh mein bhi koi foundation nahi hai marks ka. You can easily do the counseling, either you are from other parts of India, other states of India, you all can do easily counseling, you all can get the seat in UP. Ab agar hum Rajasthan ki baat karte hain, Rajasthan is also a open state in the round 2. Rajasthan jo hai open state hai round 2 mein. तो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं वो भी इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, और सेकंड राउंड से जितने भी वहाँ के इंस्टीट्यूट हैं, अभी जैसे कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, गीतांजलि है, निम्स जयपुर है, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर है, एंड पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, अनंता है, अमेरिकन इंटरनेशनल है, महात्मा गांधी है. देयर आर टोटल 8 इंस्टीट्यूट विच आर which are applicable for the other students, and they can do the counseling in Rajasthan and can get the seat. तो दूसरी बात ये हो गई कि राजस्थान में फीस बहुत ज़्यादा है, तो अदर स्टेट के बच्चे प्रीफर करते हैं थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि अगर हम लोवेस्ट फीस माने राजस्थान में तो 18 से नीचे नहीं है अदर स्टेट के बच्चों के लिए. और जो वहाँ के डोमिसाइल हैं उनके लिए अगर हम फीस की बात करें तो अनंता और अमेरिकन की फीस है वो 13-13 लाख है, महात्मा गांधी की 15 है, गीतांजलि की 17 है, निम्स की 19.5 है. बट द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड दे वांट टू गेट सीट इन राजस्थान, दे हैव टू पे मिनिमम ऑफ 18 लाख पर एनम. ठीक है, 18 लाख आपको देना पड़ेगा.
मार्क्स का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप 150, 150, 160 मार्क्स भी लाते हैं देन इजिली यू कैन गेट द सीट, देर इज़ नो मार्क्स बाउंडेशन। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। अब महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो ये केवल महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ही है, जिसमें महाराष्ट्र के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सब के बारे में बताएंगे क्या फीस स्ट्रक्चर है। सो फीस स्ट्रक्चर नॉर्मली जो है 7 to 9 lakhs है। दो तीन कॉलेज जैसे NKP सालवे हुआ, ठीक है, और एक कॉलेज और वेदांता, वेदांता और NKP सालवे वगैरह को छोड़ के सारे कॉलेज की फीस 8 to 9 lakhs है, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड फॉर द स्टेट पीपल, दिस इज़ ऑल्सो क्लोज स्टेट, सो नो अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन गेट MBBS सीट देयर। दिस ऑल द सीट इज़ अप्लीकेबल ओनली टू द स्टेट पीपल। सो फर्स्ट इफ़ यू वॉन्ट टू चेक वसंतरा पवार मेडिकल कॉलेज, द फीस इज़ 40 lakh, एंड यू हैव तेरना मेडिकल कॉलेज, फीस इज़ अंडर 40 lakhs। एंड KP सॉल्वे द फीस इज़ नियर अबाउट 50 lakhs। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लातूर 45, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन तालेगांव 45, एंड KJ सुमैया मेडिकल कॉलेज द फीस इज 33, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जालना 33, SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 40 to 45। तो इस टाइप से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका एक एवरेज जो बजट है वो 40 lakhs है, एक्सेप्ट अनंता जिसका फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द काउंसलिंग ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो ओपन स्टेट एंड दिस इज़ ऑल्सो आई एम सेइंग स्पेशली फॉर द डोमिसाइल पीपल। सो इन तमिलनाडु वी हैव टोटल 11 कॉलेजेस, ओके, विच आर अप्लीकेबल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु वॉन्ट टू अप्लाई इन तमिलनाडु। सो अगर हम तमिलनाडु की फीस की बात करें, वी हैव कॉलेजेस लाइक ESIC मेडिकल कॉलेज, टैगोर मेडिकल कॉलेज, PSG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री मूकाम्बिकाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वेलामल मेडिकल कॉलेज, धनलक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, SRM ट्रिची, राजामुथिया मेडिकल कॉलेज। सो दीज आर द कॉलेजेस इन तमिलनाडु विच आर प्राइवेट, ओके, वेयर अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई एंड द डोमिसाइल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल ऑलरेडी। सो दे हैव द फीस ऑफ एवरेज फीस, दोज हु आर द डोमिसाइल दे हैव द फीस ऑफ 4 lakhs पर एनम, बट रिमाइंड वन थिंग, इफ दे हैव गुड स्कोर देन ओनली दे कैन गेट सीट एट 4 lakhs पर एनम। इफ देयर स्कोर इज बैड लाइक 300, 320, 350 ETC, इन दैट केस आई एम सेइंग फॉर द जनरल कैटेगरी, इन दैट केस यू हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली 11 lakhs पर एनम इंक्लूडिंग हॉस्टल। द फीस इज 10 एंड हॉस्टल इज 1 lakh, सो टोटल 11 lakhs पर एनम यू हैव टू पे। सेम इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू अप्लाई इन तमिलनाडु एंड दे आर फ्रॉम अदर स्टेट, दे हैव टू पे द फीस ऑफ 11 lakhs पर एनम इंक्लूडिंग हॉस्टल फॉर ऑल द कॉलेजेस, ओके। केरला या लेडी टोल्ड यू, नाउ लेट्स सी अबाउट द काउंसलिंग ऑफ तेलंगाना। सो इन तेलंगाना दे हैव डिवाइडेड द सीट इन कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। द कैटेगरी ए फीस इज़ अंडर 1 lakh। जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो स्टेट अथॉरिटी में आते हों, ठीक है, या ट्रस्ट के हों, सबके जो ए कैटेगरी वाले फीस हैं वो 1 lakh के अंदर ही फीस हैं, लाइक 50,000, 60,000। बट फॉर ए कैटेगरी यू हैव टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स, योर मार्क्स शुड बी नियर अबाउट 500। आई एम सेइंग फॉर द जनरल कैटेगरी, ओके, इट विल गो लो फॉर द SC ST ETC एंड रीजनल पीपल ऑफ तेलंगाना विच आर माइनर, ओके। सो ए कैटेगरी वालों का फीस जो अंडर 1 lakh रहेगा, बी कैटेगरी वालों की जो फीस होगी, बी कैटेगरी, वो जो है आपका 11 lakhs पर एनम है। एंड दिस फीस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू अप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट्स। तेलंगाना इज ऑल्सो ओपन स्टेट, सो अदर पार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई इन दैट स्टेट्स एंड दे हैव टू पे द फीस ऑफ 11 lakhs पर एनम,
बट देर इज़ अ बेनिफिट फॉर द डोमिसाइल पीपल हु हैव गुड मार्क्स, दे हैव टू पे फीस ऑफ अंडर 1 लाख पर एनम फॉर द MBBS सीट. देर इज़ वन मोर कैटेगरी सीट दैट इज़ कॉल्ड सी कैटेगरी और यू कैन से NRI सीट्स इन तेलंगाना. देयर फीस इज अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19 lakhs पर एनम मिनिमम, डिपेंड ऑन द कॉलेज इट वेरीज. ओके, सो अगर हम मार्क्स की बाउंड्री करें तो अगर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, लेट्स सी फॉर ए कैटेगरी के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए, योर मार्क्स वुड बी 483 प्लस फॉर द जनरल एंड OBC. फॉर बी कैटेगरी योर मार्क्स वुड बी 247 प्लस. दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टेट स्टूडेंट. 247 प्लस इफ़ यू आर द डोमिसाइल ऑफ तेलंगाना, यू हैव टू पे द फीस ऑफ 11 lakhs पर एनम. एंड इफ़ यू स्कोर 247 प्लस दैन ऑल्सो यू विल गेट द MBBS सीट विद द फीस ऑफ 11 lakhs पर एनम. फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स, जैसे कि जो UP से हैं, MP से हैं, आंध्रा से हैं, बिहार से हैं, तेलंगाना में सीट ले रहे हैं, उनके लिए जो है 11 lakhs पर एनम फीस पे कर सकते हैं. स्कोर होना चाहिए 320 प्लस, यानी आपका स्कोर अगर 320 प्लस है तो आप तेलंगाना पे 11 lakhs पर एनम में MBBS सीट विद 100% श्योरिटी पढ़ सकते हैं. जिसका मार्क्स 150 है वो भी तेलंगाना में सीट पा सकता है, बट इन दैट केस यू हैव टू पे 18 to 19 lakhs पर एनम फॉर द NRI सीट. अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तेलंगाना में, तो ममता मेडिकल कॉलेज, कामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नारकेट पैली नालगोंडा, एंड VS मेडिकल कॉलेज यनुगोंडा, चलमेला अनंदाराव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिसिटी, MNR, भास्कर, अपोलो, RBM, कामिनी, हैदराबाद, महादेश्वरा, डेकन, सदन एंड डॉक्टर VRK आयान मेडिकल कॉलेज. ठीक है, ये आपके टोटल 16 कॉलेजेस हैं जो तेलंगाना के डोमिसाइल के लिए भी हैं और अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी हैं जो आप MBBS सीट इन पे ले सकते हैं. अब अगर हम आंध्रा की बात करते हैं, ठीक है, तो आंध्रा इज ऑल्सो डिवाइडेड देयर सीट इन 3 कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, तीन में डिवाइड कर दिए हैं. जो कैटेगरी ये है उनकी फीस 1.2 lakhs के अंदर ही रहेगी. फॉर जनरल एंड OBC योर मार्क्स वुड बी 467 प्लस. अगर आपका 467 प्लस है, उसी केस में ऐसा होगा कि आपका फीस 1 लाख के अंदर लगेगा. ठीक है, फॉर बी कैटेगरी देयर इज़ अ फीस ऑफ 13 lakhs पर एनम एंड दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड दे वॉन्ट टू गेट सीट इन आंध्रा. They have to pay 13 lakhs per annum, okay? और जो सी कैटेगरी की सीट है उसका 20 लाख रुपये पर एनम फीस है. एक साल का NRI सीट है, उसका फीस आपका 20 लाख है. मार्क्स जो रिक्वायरमेंट रहेगी सी कैटेगरी के लिए 140 प्लस. फॉर बी कैटेगरी इफ़ यू आर द डोमिसाइल ऑफ आंध्रा योर स्कोर शुड बी 230 प्लस. For non-domicile students, you also have to pay 13 lakhs per annum, but your score should be 287 plus. ठीक है, अगर हम आंध्रा के जो कॉलेजेस हैं उनके लिस्ट की बात करें तो अलूरी सीताराम, राजू एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस एलुरु, SL मेडिकल कॉलेज, NRI एकेडमी, कौनसीमा, ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज, महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, NRI इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विशाखापट्टनम, गायत्री मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम, निब्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जूपुटी, नारायण मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, PS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोप्पम, शांतिराम मेडिकल कॉलेज नंदयाल, विश्व भारती मेडिकल कॉलेज कुर्नूल, फातिमा, RVS, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चित्तूर, ETC. So total we have 19 medical colleges which are private in Andhra where other state can also apply and domicile students they are already eligible. Okay. So Andhra I already told you. Let's see about the MP. Madhya Pradesh need counseling. Okay. So in MP, MP is also open state from round 2 or mop-up. Mop-up round 2 mein MP apna स्टेट खोल देता है कि अदर स्टेट के बच्चे भी अब आके जो उनके यहाँ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे अरबिंदो है, इंडेक्स है, एल एन गाड़ी है, ठीक है, इन सब पे एडमिशन ले सकता है. ठीक है,
जैसे आपका जो कॉलेजेस हैं, जैसे श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एलन गादी इंडेक्स एंड एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, अमलता, चिरायू, ठीक है, ये सब कॉलेजेस हैं जिन पे अदर स्टेट के बच्चे भी ले सकते हैं। फीस क्या रहेगा, 8 से लेके 11 लैक्स पर एनम। नॉर्मली 8 to 9 लैक्स है, कुछ एक का है जो 11 लैक्स पर एनम है, ठीक है। अगर हम डोमिसाइल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 444+ है। अगर आपका 444+ मार्क्स है तो आप अपने डोमिसाइल स्टेट में 8 से 9 लाख पे कोई ना कोई सीट पा जाएंगे। 440+ फॉर द जनरल एंड ओबीसी, फॉर अदर कैटेगरी इट इज़ 297+। ओके, अगर आप नॉन डोमिसाइल की बात करें, नॉन डोमिसाइल अगर स्टूडेंट्स है और वो एमपी में सीट पाना चाहता है प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके लिए फीस सेम रहेगी, 8 to 9 लैक्स, 11 लैक्स पर एनम ओनली। बट दे हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 500 मार्क्स, 500 नंबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2019। ओके, आपका एमपी भी ख़त्म। अब आते हैं बिहार के। बिहार में आपका 3 कॉलेजेस हैं, ठीक है, माता, एक एक आपका माता गुजरी है, दूसरा नारायण है और तीसरा कटिहार मेडिकल कॉलेज है। तीनों का फीस जो है 9 से लेके 11 लाख के बीच में है, 9 to 11 लैक्स पर एनम। फीस एक नॉर्मल है जो अफोर्डेबल है। अगर हम मार्क्स के रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, जनरल एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपका स्कोर 380+ होना चाहिए और स्कोर शुड बी मोर देन 380 इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सीट इन माता गुजरी और नारायण मेडिकल कॉलेज और इन कटिहार मेडिकल कॉलेज। ओके, योर स्कोर शुड बी 380+। इफ़ यू आर द स्टूडेंट्स, अगर आप बाहर के बच्चे हैं, जैसे यूपी के हैं, राजस्थान के हैं और बिहार में सीट लेना चाहते हैं, तो आपका नंबर 400+ होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका बिहार का भी ख़त्म हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट बंगाल। ओके, सो वेस्ट बंगाल इज़ ऑल्सो ओपन स्टेट वेयर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री और स्टेट पीपल्स कैन अप्लाई इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में वो पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि उनको फीस 4 लैक्स पर एनम देना है, लेकिन ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव वेरी गुड स्कोर। दोज स्टूडेंट्स हु हैव वेरी गुड स्कोर, दे कैन पे द फीस ऑफ 4 लैक्स पर एनम इन द कॉलेजेस लाइक केपीसी, आईकेयर, आईक्यूसिटी, गौरी देवी, जगन्नाथ एंड श्री रामाकृष्णा। देर आर 6 इंस्टीट्यूट विच आर प्राइवेट इन द वेस्ट बंगाल। लास्ट ईयर देर वॉज 4 बिकॉज 2 डिडंट हैव द एमसीआई अप्रूवल, बट इन द नीट सेशन 2020 मे दे विल गेट द एमसीआई अप्रूवल। सो टोटल दे हैव 6 कॉलेजेस फॉर द एमबीबीएस प्राइवेट सीट। और अगर मार्क्स 4 लैक्स के फीस पे लेना है सीट, विच इज़ अप्लीकेबल फॉर द डोमिसाइल ओनली, देन दे हैव टू स्कोर 500+ फॉर द जनरल एंड ओबीसी एंड फॉर ऑल अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग एससी एसटी एंड रीजनल माइनर, दे हैव स्कोर शुड बी 390+। ठीक है, 390+ होना चाहिए अगर आप अदर माइनॉरिटी कैटेगरीज के हैं। मैनेजमेंट कोटा की सीट की बात करें तो अगर आपका 150 नंबर भी है तो आप कहीं भी रामाकृष्णा में, जगन्नाथ में, गौरी देवी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। उस केस में आपका फीस रहेगा 12 से 13 लाख रुपए पर एनम। ठीक है, सो 12 से 13 लाख रुपए पर एनम फीस अगर आप दे रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में ये मान के चलिए कि स्कोर का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इजीली सीट पा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, मे बी आपको अगर नंबर 200 है राउंड वन में ना मिले तो आपको मॉपअप में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हरियाणा काउंसलिंग। हरियाणा इज़ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट लाइक यूपी एंड बिहार। सो हरियाणा में अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 11.3 लाख पर एनम है। अगर हम स्कोर की बात करें तो अगर आप 300+ में हैं तो आप पा सकते हैं वहाँ पे कॉलेज, जो कि 2 कॉलेज हैं। लास्ट ईयर में आदेश आया है और पहले से श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज था। ठीक है,
तो दो ही कॉलेज हैं जहाँ पे फीस 11 लाख के आसपास हैं और मार्क्स 300+ हैं, तो आप आदेश वगैरह में एडमिशन इजीली ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आ जाते हैं पंजाब नीट काउंसलिंग पे। ठीक है, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में फीस जो है नॉर्मली 8 लाख है, 7 लाख 8 लाख पर एनम है। ठीक है, आदेश है जिसका 12 लाख है, तो आप टोटल 8 से 12 लाख रुपए पर एनम फीस पे आप एडमिशन पंजाब में ले सकते हैं। ठीक है, स्कोर की बात करें तो आपका स्कोर 400+ होना चाहिए। इफ़ यू हैव द स्कोर ऑफ 400 देन यू कैन इजिली गेट द सीट इन पंजाब विद द फीस ऑफ 8 लैक्स 9 लैक्स पर एनम। ओके, फॉर अदर रिलीजियंस और फॉर SC ST द स्कोर शुड बी 300+। अगर हम कॉलेजेस की बात करें जो पंजाब में प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी बात करें, तो फर्स्ट वन इज़ द आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा, श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी एंड चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। अगर हम CMC की बात करें तो CMC लुधियाना, ध्यान दीजिएगा, सेपरेट फॉर्म फिलअप करवाता है एंड यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली। इफ यू आर फ्रॉम द रिलीजन ऑफ द क्रिश्चन यू हैव टू राइट सेपरेट बाइबल टेस्ट, एंड इफ यू आर अदर रिलीजन्स लाइक हिंदू एंड अदर पीपल यू डोंट नीड टू राइट बाइबल टेस्ट, बट देयर विल बी अ सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर द CMC लुधियाना। एंड CMC लुधियाना फीस इज़ वेरी वेरी लेस, इट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 lakhs पर एनम। ओके, ये आपकी जो तो टोटल 7 कॉलेजेस पंजाब में हैं जो प्राइवेट हैं, इन पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उत्तराखंड नीट काउंसलिंग 2020, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड इज़ ऑल्सो ओपन स्टेट वेयर अदर स्टेट कैन ऑल्सो अप्लाई इन UP। ठीक है, जो वहाँ के डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए फीस जो है, दो ही कॉलेजेस हैं, एक राम राय है और दूसरा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। हिमालयन और राम राय दोनों ने कहा कि अदर स्टेट के बच्चों के लिए हमारा फीस रहेगा 15 लैक्स पर एनम और जो हमारे डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए फीस रहेगा 11 लैक्स पर एनम। तो जो उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं वो हिमालयन और राम राय में किसी में एडमिशन ले सकते हैं विद द फीस ऑफ 11 लैक्स पर एनम। अगर हम सीट की बात करते हैं तो सीट में 50% सीट दोनों कॉलेज ने कहा कि मैं ऑल इंडिया के बच्चों के लिए रखूँगा और 50% अपने डोमिसाइल के बच्चों के लिए रखूँगा। ठीक है, डोमिसाइल के बच्चों के लिए आपका स्कोर 490+ होना चाहिए। ठीक है, फॉर OBC एंड जनरल, ठीक है, अदर जो कैटेगरी उनके लिए लो जाएगा। फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट इट इज़ 15 लैक्स पर एनम। जो आपके डोमिसाइल भी बच्चे हैं, बाहर के भी बच्चे हैं, अगर वो मैनेजमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको 15 लाख पर एनम देना पड़ेगा और स्कोर जो है 400+ होना चाहिए फॉर हिमालयन। राम राय के लिए कुछ लो जाता है, 300 350 इट्स ओके फॉर राम राय, बट फॉर हिमालयन इज़ वेरी डिमांडेड कॉलेज, हिमालयन एयर स्कोर शुड बी वेरी गुड। अब अगर हम डीम्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो डीम्ड का आपका जो फीस है मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि 11 लाख से लेके, ठीक है, आपका टोटल हाईएस्ट बजट जो DY पाटिल का है नावी मुंबई का वो 26 लाख तक जाता है। हम अगर स्कोर की बात करें तो अगर आपका स्कोर 150 से लेके 510 तक है तो आप तो भी आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जिसका स्कोर 500 है, 55 है, 495 है, 510 है, वो प्रीफर करे मणिपाल को। ठीक है, क्योंकि मणिपाल के जो दोनों ब्रांचेज हैं मैंगलोर और KMC मणिपाल, दे आर द बेस्ट इन इंडिया, इंडिया के वो बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आपको फीस थोड़ा सा ज़्यादा भी देना पड़ रहा है एंड 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 इफ़ यू आर गेटिंग सीट इन इजली इन मणिपाल देन प्रीफर मणिपाल। ओके, थोड़ा बहुत फीस ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो फर्स्ट वन इज द श्री सिद्धार्थ एकेडमी TB कर्नाटका, फीस इज 11.15 लाख पर एनम, मार्क्स रिक्वायरमेंट 170+। अब 170+ लास्ट ईयर में मार्क्स रिक्वायरमेंट था, क्यों था, क्योंकि नया कॉलेज खोला है। ठीक है, इस साल जो है इसका स्कोर जो है बढ़ जाएगा। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फीस जो है आपका 12 लाख रुपए है, स्कोर यू नीड टू सिक्योर 454+।
रूरल मेडिकल कॉलेज पिम्स लोनी महाराष्ट्र, द फीस इज नियर अबाउट 13 लैक्स, योर स्कोर शुड बी 446+। किम्स मणिपाल, द फीस इज 13 लैक्स, स्कोर शुड बी 493+। किम्स मैंगलोर, योर फीस इज 13.1 लैक्स पर एनम, योर स्कोर शुड बी 467+ फॉर द मैंगलोर ब्रांच। के एस हेगडे मेडिकल मैंगलुरु कर्नाटक, फीस इज 14.35, योर स्कोर शुड बी 446+। SDU Medical College Kolar, the fees is 14.5, your score should be 450. JSS Medical College, fees is 14.71, your score should be 380+. And MM Institute of Medical Maulana Haryana, fees is 15 lakh, your score is 478+. Jawaharlal Nehru Medical College Belgavi, fees is 15.24 lakhs per annum, your score should be 460+. And Sri Siddhartha Medical College DU Tumkur Karnataka, the fees is 15.65. ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, और स्कोर शुड बी 200+। SBKS Medical Institute Sumandeep, फीस इज 15.95, स्कोर शुड बी 436+। एंड KIMS Bhubaneswar, द फीस इज 16 लैक्स पर एनम, स्कोर शुड बी 400+। Yenipoya Medical College Mangalore Karnataka, the fees is 16 lakhs per annum, score should be 400+. BLD University Bijapur, the fees is 17 lakhs per annum, score should be 350+. Okay. Institute of Medical Science Bhubaneswar, the fees is 17.9 lakhs, score should be 350+. Amrita Institute of Medical Science Kochi Kerala, the fees is 18 lakhs per annum, score should be 380+. Sri Satyasa Institute of Medical Science Kanchipuram Tamil Nadu, fees is 18 lakhs per annum, score should be 250+. Vinayaka Missions Medical College is 18 lakhs per annum, score should be 250. JLN Medical College Datta Mege Varda, 18.5, score should be 300+. Geetham Institute of Medical Science Visakhapatnam, 18.87, score should be 280+. गीतम की अगर बात करें तो लास्ट ईयर में इंस्टीट्यूशनल राउंड में गीतम ने 170 स्कोर वालों को भी सीट दिया है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है आपको गीतम में या फिर विनायका में या सत्यासाई में, अगर आपका 150 भी है तो भी इंस्टीट्यूशनल राउंड में 160-170 पे सीटें 4-5 लाख एक्स्ट्रा देकर वो ले लेते हैं, ठीक है। BVD Deemed University Sangli Maharashtra, the fees is 19 lakh, score is 260+. Aru Padai V2 Medical 5 lakhs, marks is 240+, ठीक है। सेम वे आपको बहुत सारे कॉलेजेस दिए गए हैं, जैसे MGM नावी मुंबई है, MGM औरंगाबाद है, VMK भी तमिलनाडु है, MGM श्री बालाजी विद्यापीठ पौंडीचेरी, BVD श्री लक्ष्मी नारायण, श्री डी वाई पाटिल पुणे महाराष्ट्र, चेटिनार हॉस्पिटल एंड रिसर्च कांचीपुरम, श्री रामचंद्र का जो फीस है वो आपका 22 लैक्स है, ठीक है। और स्कोर जो होना चाहिए वो 300+ होना चाहिए। सेम वे कैन चेक फॉर द मीनाक्षी, SRM, राजा राजेश्वरी, ACS मेडिकल, संतोष मेडिकल, श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई, लास्ट में डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज नावी मुंबई, सबसे हाईएस्ट फीस इन इंडिया फॉर द MBBS कोर्स। ओके, सो दीज आर द डिटेल्स, ये आपको पूरा डिटेल्स बता दिया गया है। आई थिंक आई समराइज ऑल द स्टेट, एक दो स्टेट हो सकता है छोटे हैं, शायद उड़ीसा, नहीं तो मैक्सिमम स्टेट ऑफ इंडिया को पूरा इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। अगर हम कुछ टॉप के कॉलेजेस की बात करें तो टॉप के जो जो कॉलेजेस हैं साउथ रीजन्स में ज़्यादा हैं, जैसे CMC वेल्योर है, मणिपाल के दोनों ब्रांचेज हैं, MS रमैया है, उसके बाद आपका अगर हम डिम्ड में बात करें तो भुवनेश्वर वाला KIMS है, ठीक है। वैदेही मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु का अच्छा कॉलेज है, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली है वो अच्छा है, ठीक है। तो ये सब कुछ रैंकिंग के कॉलेज हैं। उसके बाद बेंगलुरु में सेंट जॉन्स है, KIMS है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, ये सब कॉलेजेस हैं जिसमें मतलब आपको स्टडी करने के बाद थोड़ा सा लगेगा, दीज आर द रिपुटेड कॉलेज, इनकी
अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो केरल में है इन कोची, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। रामाचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रामाचंद्रा का फीस ज़्यादा है बट वेरी गुड कॉलेज। एस आर एम जो है, ठीक है, एस आर एम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। और अगर हम बात करते हैं बालाजी का, तो बालाजी भी ठीक है इन चेन्नई इट इज़, बट द फीस इज़ वेरी हाई, फीस बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप से ये जो टॉप के कॉलेजेस हैं, अप्रोक्सीमेटली टॉप 10, ये मैं बताया। और इफ़ यू वांट टू गेट मोर डिटेल्स देन यू कैन आल्सो, आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन विजिट देयर एंड यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम देयर आल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव मोर क्वेरी, डोंट हेजिटेट टू कॉल और डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट अस थ्रू द व्हाट्सएप। श्योर वी विल हेल्प यू। ओके, so thank you for watching. Do best in your exam, get the good MBBS seat in the lowest budget. Thank you for watching.